नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्यटेक फार्मिंग के आज के ये शानदार एपिसोड में। बहुत टाइम से एक वीडियो पेंडिंग था, बहुत बार हमने कीर्ति भाई का जो कि इंद्रपुरा गांव मानसा के पास स्थित है उनके ओवरव्यू वीडियो किए थे और बहुत सारे किसान डिमांड कर रहे थे कि कीर्ति भाई का फार्म पे जाके वीडियो बनाइए। तो आज दिसंबर 6 है और सुबह सुबह में करीबन 7:30 बजे और हम पहुँचे हैं कीर्ति भाई के वहाँ। उनके पास कुछ गाय सेल के लिए अवेलेबल है तो आज के इस वीडियो में वही बात करेंगे, क्योंकि उनकी जो सारी गाय है अब तक के जो ओवरव्यू वीडियो में लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो आज सीधे पहुँचे उनके फार्म पर। ये इनका फार्म है, थोड़ा दिखा लेते हैं आपको ओवरव्यू के क्या है। ये सारी जो गाय अभी जो दिख रही है ये सारी इनके पास सेल के लिए, हालांकि अभी साफ़ सफाई नहीं हुआ तो आपको थोड़ा साफ़ नहीं दिखेगा, पर ये सारा इनका फार्म है। यहाँ पे कोई भी किसान अगर आपको गाय परचेज़ करना है, सेल करना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इनके पास खुद का अपना ये फार्म हाउस है जहाँ पे खुद भी गाय रखते हैं और सेल परचेज का भी काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, इनके पास जो गाय सेल के लिए क्या प्राइस में है, कौन से इलेक्ट्रिशियन में क्या दूध देने वाले, वही बात करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं और बात करते हैं फार्म के ओनर कीर्ति भाई से। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो पहली बार जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको यहाँ का एड्रेस और अपना नाम बता दीजिए। मेरा गांव है इंद्रपुरा मानसा के पास में। ठीक है, और ये फार्म का कुछ नाम है? नाम तो कुछ रखा नहीं है। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? लाला भाई एक बार अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए ताकि किसी को आना है आपके यहाँ गाय खरीदने तो ये सीधा आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। 9187 आज कितनी गाय है सेल के लिए? पाँच गाय। ठीक है, तो ये गाय कहाँ से लाते हो? मैं ज़्यादातर तो गंगानगर से लाता हूँ, लेकिन ये गाय अब लोकल माल लिया है मैंने। अभी लोकल लिया है? हाँ। ज़्यादातर आप गंगानगर से ही आती है। ठीक है, तो ये जो साइड में खड़ी है इसका डिटेल क्या है, कौन से इलेक्ट्रिशियन में? ये दूसरे ब्यात में। दूसरे ब्यात में ब्याह की कच्ची है? जनने वाली है। जनने वाली। हाँ। कितने रोज कच्ची है? बस एक हफ्ता लेगी। एक हफ्ता ले लेगी। और कितना दूध दे? इसका 12 किलो है। 12 किलो पहले ब्यात में 12 किलो दिया था, अब दूसरे ब्यात में कितना देगी वो मतलब प्लस ही करेंगे वैसा दे गई ना। ठीक है, तो थोड़ा खोल के बता दे, सेकंड इलेक्ट्रिशियन में थोड़ी आपको हल्की सी अभी उनकी साफ सफाई चल रही है, हालांकि साफ सफाई नहीं दिखेगी आपको। ये है देखो पूरी गाय, आपको थोड़ा चला के दिखा देते हैं इसकी चाल। अर्डर क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा बना के रखा है इसने। मीडियम हाइट है, भाई की हाइट से आप कंपेयर करो लाला भाई की हाइट से तो मीडियम हाइट है और हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छी है। थोड़ा क्लोजली आपको इसका अर्डर भी बताएंगे ताकि आपको पता चल सके। ये है पीछे से इसका अर्डर, ये वाला अर्डर है, मिल्किंग वैन आपको दिखेगी। ये इसका आगे का अर्डर। ठीक है लाला भाई, इसका क्या प्राइस मांग रहे हो और कितने तक दे दोगे? प्राइस तो की मांग रहा हूँ 75,000। 75,000। और कितने में कोई आएगा तो कितने तो मौके पे होगा, जो होगा मौके पे कितना तो भी कर लोगे वो हो जाएगा कुछ सेटिंग उनका। 2-5 ग्राहक बोलेगा वैसे अपने 2,000 मुनाफे से बेचते हैं तो वैसे दे देते। कितना रखते हो मार्जिन? 2,000। इससे ज्यादा नहीं, नहीं। तो ऊपर नीचे कर लोगे? हाँ। 75 है तो 72-73 में दे दोगे और दूध मिलेगा उसको पूरे पूरा 12 से ऊपर मिलेगा, यानी कि 24 में 12 निकाला है तो दूसरे ब्यांत में तो ज्यादा ही देगी। 24-25 लीटर आराम से करेगी। ठीक है, ये वाली आ गई, ये क्रॉस वाली है, इसका क्या है? ये प्याले ब्यांत में है, अभी परसों ही जड़ी है। प्याले में? हाँ। क्रॉस में है तो इसके थन तो बहुत बड़े दिख रहे हैं मेरे को, ये देखिए। ये फर्स्ट लैक्टेशन में दिया गई है? हाँ, परसों ही जड़ी। क्या दिया इसने? बछड़ा दिया है। तो ये तो क्रॉस में है तो अभी कितना खींच निकाल रहा है इसका? अभी 7-8 किलो निकालता हूँ। 7-8 किलो। हाइट देखिए आप तो काफ़ी बड़ी हाइट है इसकी, पर क्रॉस में है बोल रहे। फर्स्ट लैक्टेशन में हो सकता है, फर्स्ट ना हो सेकंड में। तो दांत कितने हो गए इसके? दो ही है पक्का? ठीक है, थोड़ा खोल के बताइए इसको। तो ये बोल रहा है कि परसों ही जनी है, अभी 6-7 लीटर इसका खीस रेडी है। तो ये कम से कम ये इसकी हाइट
क्रॉस में आपको दिखेगी, साफ सुथरी नहीं है तो आपको लगेगी, पर इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है हाइट वेट के हिसाब से। तो पूछ लेते हैं इनको कि ये प्राइस कितना मांगेंगे और कितने तक दे देंगे ये वाली जो गाय है क्रॉस में है। तो लाला भाई ये बताइए ये कितना दूध दे देगी पूरे टाइम का? 10 से प्लस जाएगी। 10 से प्लस। और प्राइस क्या मांगोगे इसके? 85। 85? क्यों इतना ज़्यादा? जाएगी ना पहले भी अंत में अभी फर्स्ट लैक्टेशन में। हाँ तो ये इसके आपने दांत मेरे को बता दीजिए अगर हो सके तो। खो दांत तो चौथे कर लिया है चार। ठीक है तो ये कितने में दे दोगे? 85 तो बहुत ज़्यादा है। वो तो दे दूंगा कुछ मौके पे ही हो जाएगी सारी गाय। मौके पे ही चलती है सारी गाय अपनी, जो आती है 2000 मुना पे से बेचते हैं तो ग्राहक लगाता है, रेट बोलना तो पड़ता है फिर कम। ठीक है तो भी मतलब ऐसा प्राइस बताइए, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे आए, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि इनका वीडियो करें क्योंकि आपकी गाय वैसे अच्छी होती है, प्राइस भी आप ऐसा रखना कोई आए तो, है ना? ऊपर नीचे कल वो तो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है ये वाली गाय, ये एक और छोटी गाय क्रॉस में ही दिया गई, कच्ची है ना? जनी हुई है। क्या दिया? बछड़ा है इसके भी नीचे बछड़ा है, थोड़ी छोटी गाय है। तो कितना दूध दे रही है अभी? 9 किलो है इसका। 9 किलो हफ्ता हुआ है जने हुए, 9 किलो दूध है। एक हफ्ता हो गया है। ओके तो मतलब थोड़ी हल्की सी दुबली भी मेरे को दिख रही है। और इस ये कितना 10 तक दे देगी दूध? 9-10 लीटर। पार्टी ने तो हमको तो बताया 12 किलो टाइम का, लेकिन अपने तो 10 ही मान लेते हैं। नहीं नहीं 12 तो नहीं दे सकती, 9-10 दे। थोड़ा खोल के बताइए इसको, 9-10 तो दे सकती है जिस हिसाब से। ये भी किसान मित्रों ये भी देखिए क्रॉस में है, छोटी सी गाय है, हाइट वेट थोड़ी आपको हल्की सी कमज़ोर दिखेगी ये वाली गाय, और अडर ठीक ठाक है। तो अभी आपने ये गाय को दो लिया है, पूरे दूध निकाला हुआ, दूध निकाला हुआ है। तो किसान मित्रों बहुत सारे सप्लायर्स करते हैं कि दूध रोक के रखते हैं, इनका खुद का फार्म है, आप देखिए पीछे इनकी बहुत सारी अपनी खुद की भी गाय है। तो ये बोलते हैं कि सुबह में उनका जो गाय का जो मिल्किंग हो जाता है। तो इसका क्या प्राइस मांग रहे हो? इसका मांग रहा हूँ 60,000। 60,000? 60,000 बहुत ज़्यादा है। कितना में दे दोगे? तो मौके पे 50 के करीबन दे दूंगा। 50 में दे दोगे? ठीक है। और दूध मिलेगा 20 लीटर दोनों टाइम का, ये भी एक क्रॉस है। तो ये वाली जो अब की बार जो गाय है ये लोकल है। हाँ। क्योंकि हम जो आ रहे थे आपका जनरली जो अच्छी वाली गाय होती है। हाँ। आप बहुत अच्छी गाय लाते हैं तो ये वाली लोकल है, इसीलिए थोड़ी आपको हल्की सी क्रॉस। हाँ, ज्यादा दिख रही है। ज्यादातर आप वहाँ से लाते? गंगानगर से लाता, तो ब्रीड वाली गाय लाता हूँ। ब्रीड वाली लाते हैं। ठीक है। हाँ। तो ये भी ब्या गई है, कच्ची है? ये भी जनी हुई है। क्या दिया इसने? 4 दिन हुए जने हुए, बछड़ी है पीछे। पीछे बछड़ी है, ये भी क्रॉस में है। ये अभी कितना दूध दे रही है? अभी इसका 10 किलो है। 10 किलो है तो ये 10 तो देगी। पार्टी की 14 लीटर की जिम्मेदारी है मेरे को। 14 लीटर की टाइम का हो सकता है, पर 14 तो नहीं देगी। हाँ ठीक है, 10-12 तो दे सकती है। थोड़ा खोल के बताइए, क्योंकि जिस हिसाब से इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, और आप देखें चारों के चारों थन जो है गैप पे लगे, तो अडर तो ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी का है, पर इसकी जो हाइट है वो मीडियम है, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे ये वाला, तो ये 10 लीटर दूध दे सकती है, यानी कि दोनों टाइम का मिला के 20 लीटर दूध दे सकती है। अभी इनकी जो गाय है ये लोकल है, जनरली ये जो लाते हैं गंगानगर से तो वहाँ पे ये थोड़ी HF क्वालिटी की क्वालिटी गाय इनके पास मिल जाती है। इनका क्या मांग रहे हो प्राइस? 65,000। 65 ज़्यादा है, कितने में कर दोगे इसको? हो जाएगी 4-5 कम हो जाएंगे। 4-5 तो 60 से नीचे में दे दोगे? 58 60 से नीचे तो नहीं, नहीं देंगे? नहीं। पक्का? पक्का पक्का 60 में दोगे? ठीक है। ये वाली एक बड़ी गाय आ गई, ये थोड़ी आपको HF क्वालिटी की गाय दिखेगी। ये क्या कच्ची है? क्या है? जनी हुई है। तो कितना दिन हुआ इसको भी आया? इसको भी एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। ठीक है। इसके पीछे क्या है, नीचे क्या है? बछड़ा है। ठीक है। अभी कितना दूध दे रही है? अभी इसका 11 किलो है। 11 किलो तो ये मतलब 11-12 दे देगी आराम से, 12 तक तो पहुँचेगी। थोड़ा खोल के बता दीजिए, क्योंकि इसकी हाइट अच्छी है,
ये इन सभी गायों में थोड़ी आप देखेंगे हेल्थ वाइज भी अच्छी है और साफ सुथरी है। आप देखेंगे मुंह की बनावट काफ़ी सुंदर है, बड़ी गाय HF क्वालिटी की ये गाय है। इसके जो है थन आपको दिखाएंगे, अडर क्वालिटी आपको थोड़ा क्लोजली बताएंगे ताकि आपको पता चल सके। हालांकि अभी सुबह का मिल्किंग हो चुका है, एक मिनट ऊपर ये है, ये इसका अडर और ये साइड ये वाला और ये हाइट, ठीक है। तो ये कितना मांग रहे हो इसका प्राइस? 75,000। तो इसमें भी ऊपर नीचे हो जाएगा? हो जाएगा। और ये बताइए, किसी को बल्क में खरीदना है गाय, चार पांच एक साथ लेना है तो भी आप करवा दोगे? हाँ, करवा दे। कहाँ कहाँ तक बेचते हो आप गाय? यहाँ से गाय जाती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात में, गुजरात में सारे कच्छ और सौराष्ट्र काठियावाड़ तक जाती है। तो किसान मित्रों, ये गाय जो है वो 12 लीटर दूध दे देगी एक टाइम का, यानी कि दोनों टाइम का मिला के 24-25 लीटर दूध दे देगी। 75 मांग रहे, उसमें से ऊपर नीचे कर लेंगे, 70 तक दे देंगे। और हमारा ये पर्पस था कि आपको कीर्ति भाई की कुछ गायों का वीडियो बताए। तो आज उनके पास जो गाय थी वो हमें आपने आपको हमने दिखा दी। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, नीचे दिए कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।